हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद इजा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं अपने टेरेस गार्डन का एक लुक। ये देखिए भिंडी कितनी सारी हो रही हैं, हर पेड़ में 10 10 12 12 भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए कितने हेल्दी प्लांट्स हैं हमारे। भिंडी और बैगन इस समय काफ़ी क्वान्टिटी में हो रहे हैं हमारे घर में। और कोई सब्ज़ी अभी मैं लगा नहीं पाई हूँ क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है। और ये देखिए हमारा बाहर का गार्डन, रेनोवेशन की वजह से सारे हमारे प्लांट्स हैं वो बाहर आ गए हैं। अडेनियम इस समय देखिए कितना बढ़िया खिल रहा है और कितना अच्छा लुक आ रहा है हमारे गार्डन का। जो बाहर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं वो भी, और अंदर कुछ भी नहीं है इस समय, सब बाहर लगे हुए हैं। तीनों फ्लोरों में डिवाइड हो गए हैं। तो ये था, ये हमारे गार्डन का लुक है। तो चलिए अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है बगनवेलिया। तो विंटर्स में बगनवेलिया जो होता है वो थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, तो इसके हमें केयर करने की ज़रूरत होती है वरना प्लांट आपका जा सकता है। तो सबसे मेन चीज़ जो हमें विंटर्स में बगनवेलिया के लिए ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इसमें हमें पानी बहुत कम देना है। हफ्ते में एक या दो बार ही हमें इसमें पानी देना है। जब इसकी ऊपर 1-2 इंच की लेयर करीब सूख जाए तभी हमें इसमें दोबारा पानी ऐड करना है, वरना आपका प्लांट सड़ भी सकता है और जा भी सकता है। सेकेंड चीज़ ये है कि विंटर्स में क्योंकि ये डोरमेंट रहता है इसलिए हमें इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का इसमें कोई भी उस समय यूज़ नहीं होगा। ये केवल अपनी पत्तियां ग्रो करेगा और जो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही होगी वो भी आपकी बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी हमको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ जो हमें मेन ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसको हमें ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ इसमें मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 घंटे की लगातार धूप मिले, क्योंकि जाड़ों में वैसे ही धूप कम निकलती है। तो ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ 2 से 3 घंटे की इसकी इसको धूप मिले। नहीं तो अगर ऐसे कहीं छाए वाली जगह में आप इसको अगर प्लेस करेंगे तो आपका प्लांट चला जाएगा और इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी होने का डर रहेगा। तो धूप में अगर ये प्लांट रहेगा तो आपका भले ही लीव ड्रॉप कर दे लेकिन प्लांट आपका जाएगा नहीं और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस समय ये देखिए बगनवेलिया के मेरे घर में फ्लावरिंग हो रही है, वो बाहर लगा हुआ था और ये हमारा अंदर रखा हुआ है बगनवेलिया। और आंगन में भी अच्छी धूप आती इसलिए मैंने एक प्लांट अंदर रख रखा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप केयर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी आपका बगनवेलिया इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा और पूरी विंटर बड़े आराम से निकल जाएगी और आपका प्लांट ऐसे ही चलता रहेगा नेक्स्ट ईयर की फ्लावरिंग के लिए। तो इसी तरह आप ध्यान रखें। और ये था हमारा वीडियो आज का बगनवेलिया की विंटर केयर के बारे में। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें फॉलो करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।